क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश कहाँ हो, किसी हो? नौका का। गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है? एक तो प्योर पिकअप, पिकअप नहीं हो रहा, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, ईसीएम डालने के बाद है ना, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, गाड़ी में ईसीएम डालने के बाद इसका वीसीओ ईसीओ डीसीओ फ्लैशिंग करेंगे, फिर गाड़ी का ट्रायल लेंगे। ईसीओ डीसीओ वीसीओ फ्लैशिंग कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन को नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम नेट कनेक्ट करेंगे, फिर टाटा का सॉफ्टवेयर आता है CUB, उसे कनेक्ट करेंगे, फिर उसमें जो ID पासवर्ड है अपनी टास्क का वो डालेंगे। वो डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज अपने सामने आएगा, जिसमें अपन को BS6 गाड़ी तो नॉन BS6 और BS6 लिखा हुआ आएगा नीचे, उसको नेक्स्ट करें। इसमें जो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, गरोड़ा है सेमटेक, वो चेक सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद नेट कनेक्शन कटना नहीं चाहिए, बैटरी फुल चाहिए, लैपटॉप की बैटरी लो नहीं चाहिए। इस तरह से आपकी फाइल डाउनलोड होगी और डाउनलोड होके ये फ्लैशिंग, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं फ्लैशिंग चल रही है, इसी तरह से टाटा का सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करता है। इसमें एक फ़ायदा यह है कि ये आपको फ्लैशिंग जो करते हैं वो आप, अगर ये लॉक भी हो जाएगी तो इसका ब्लॉक इश्यू फ्लैशिंग, प्लंग इश्यू फ्लैशिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम DCU को भी करेंगे। अभी हमारा इश्यू हो चुका है, 3 से 4 मिनट लगते हैं एक अपडेट करने में। जैसे ही अपडेट होगा आपको ये जो स्क्रीन पर आ रहा है कि साइकिल को 30 सेकंड के लिए बंद करना पड़ेगा, मतलब चाबी को 30 सेकंड के लिए बंद करें। अब आप चाबी ऑन करके ओके बटन दबा दीजिए, आपका इश्यू अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरह हम DCU को करेंगे, DCU 5 liter TML, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन फ्लैशिंग DCU गरुड़ा और स्टार्ट करेंगे। जैसे इश्यू हुआ था वैसे ही DCU होगा, सिर्फ आपका सेलेक्ट करना है कौन सी गाड़ी में कौन सा ECU लग रहा है। ये हमारा DCU हो गया। जब हम DCU फ्लैशिंग करते हैं तो मीटर कुछ इस तरह से ब्लिंक करता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मीटर पूरा ब्लिंक कर रहा है, डोजिंग फोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा DCU भी फ्लैशिंग हो चुका है, सेम प्रोसेस है। इसमें भी आपको 30 सेकंड के लिए की ऑफ करना पड़ेगा, की ऑफ आपको उसी टाइम करना है जब स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा कि 30 सेकंड के लिए की ऑफ करें। प्रोसेसिंग में चल रहा है हमारा DCU, ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, पैरामीटर एडजस्टमेंट हो रहा है। अब आपको चाबी ऑफ करना है 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड बाद चाबी ऑन करेंगे, ओके बटन दबाएंगे। ये हमारा DCU फ्लैशिंग हो चुका है, फिर बैक जाएंगे, फिर VCU पे सेलेक्ट करेंगे 12 वोल्टेज में, 24 वोल्टेज है 24 वोल्टेज, सेम प्रोसेस वही करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा VCU फ्लैशिंग हो रहा है। VCU में ज़्यादा कुछ नहीं है,
व्यू से नॉर्मल है। इश्यू डीसी में आपको जिस नंबर भी लेगा तो डालना पड़ेगा और वीसी नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। ये था हमारा प्लेसिंग सिस्टम। अब हम प्लेसिंग के बाद गाड़ी का रोड टेस्ट भी करेंगे और ड्राइवर से बात करेंगे। एक चीज़ और देखना है हमको, यूएसयू डीसी फ्लैशिंग होने के बाद हम फिर से टीडीएस में जाएंगे और टीडीएस कनेक्ट करने के बाद फॉल्ट कोड देखेंगे। अब कोई फॉल्ट कोड तो नहीं है। टीडीएस ओपन हुआ, हमने सेलेक्ट किया रखा था पहले से, एसी हमको कनेक्ट किया। एकदम मस्त काम हुआ है और ये उसका जी है मिस्त्री बहुत अच्छा काम करते हैं यार, हम इसका ऐसा नहीं चुका सकते हैं। मेरे चार नंबर गेयर नहीं मान रही, अब टोक का टोक कर दी और कुछ कौन है तो बता देना। पहले क्या हो रहा था? एक नंबर दो नंबर एक नंबर में चलती थी। अच्छा, अभी पांच में चल रही है। पांच में अभी फाइलें डाली तो गाड़ी कंप्लीट हो गई ना, और 36 टन वजन है गाड़ी के अंदर। अच्छा, पांच नंबर गियर में नहीं चलती थी, यहाँ चलती थी दो में एक में, और अभी पांच में चल रही है गाड़ी। चलो ठीक है सर, धन्यवाद।